right there on top of the moon. We can sit and... Le gusta salir sola. Hello guys, good evening, welcome in my new blog. ओझा जी आपका स्वागत करते हैं, प्रेम से बोलिए राधे राधे। गाइज आज सैटरडे है, ऑफिस का सारा काम वगैरह करके सब काम वगैरह निपटा के अभी घर आया हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, बहुत दिन में ब्लॉग बनाए हुए। तो रिया बहुत दिन से कह रहे थे कहीं बाहर घूमे हुए, काफ़ी दिन हो गए चलते हैं, छुट्टी भी है, वीकेंड है मतलब, कल संडे है तो कल फैक्ट्री ऑफ ही होता, कोई काम वगैरह है नहीं। और हाँ, अभी मेरा थोड़ी देर पहले लाल ओढ़नी गाने का टीजर रिलीज हुआ है, जो कि मंडे को रिलीज होगा फुल सॉन्ग। तो एक बार टीजर जरूर जाके देखिए, लाल ओढ़नी बाई ओझा जी हिट म्यूजिक बॉक्स मेरे चैनल पे रिलीज हुआ है। तभी फिलहाल मैं रेडी हो रहा हूँ, रिया भी रेडी हो रही है। बारबेक्यू नेशन जाएंगे या बिरयानी बाई किलो जाएंगे नहीं पता, लेकिन डिनर आज रात को बाहर करना है। तो ये फटाफट रेडी होते हैं और चलते हैं। सो गाइस, आधा घंटा मेकअप वगैरह करने के बाद, कपड़े वगैरह पहनने के बाद, मैं रिया साहित्य सब लोग रेडी हो गए और अब चलते हैं फटाफट गाड़ी में और देन निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, बन रही ब्लॉग में दिखाते हैं। क्योंकि अभी प्लान है नहीं, एग्जैक्ट प्लान है नहीं कि कहाँ जाना है, तो अभी मुसाफिर बन के चलते जाना है और देखते हैं कहाँ रुकते हैं। घर से निकल के कुछ दूर चल के पहुंचे हुए कच्चे से ब्लॉक में, यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, बरिस्टा वगैरह है, बुशटाउन है, कटानी है, उसके बाद क्या होते बोलते हैं कैफे लॉन्ज है, बीकानेर वाले हैं, बहुत सारे गर्म धर्म है, बहुत सारे रेस्टोरेंट में। बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये साहित्य और रिया यहाँ गौतम बुद्ध के सामने मस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? डिसाइडेड हो क्या कहाँ जाना है? हुआ डिसाइड? साहित्य हुआ डिसाइड? किस पे बैठना है? नहीं नहीं, बड़ा सा गौतम बुद्ध का वो क्या तो बोलते स्टेचू है। नहीं नहीं, वहाँ नहीं बैठते। चलो, इतने सारे रेस्टोरेंट देखा हमने, लेकिन एक रेस्टोरेंट पसंद आया और वैसे मैं इसमें गया भी नहीं हूँ। ये अभी नया ही खुला है और इसकी ब्रांचेज है और ये बहुत ही यमी खाना बनाते हैं। तभी चलते हैं, मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। ये है अपना नवाब ऑफ निहारी बाई नूरानी। ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। तभी चलते हैं फिलहाल अंदर, चले लेट्स गो। डेकोरेशन अंदर से काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा किया हुआ है, बिल्कुल वाइट देखने में काफ़ी लग्जरी फीलिंग आता है। बाकी अब देखते हैं खाने में लग्जरी फीलिंग है या नहीं है। पापा जी, ये देखो पनीर दम बिरयानी सबसे फर्स्ट में। ठीक है, मम्मा को डिसाइड करने दो। पनीर दम बिरयानी चाहिए। जो मम्मा बोलेगी वो आप लोग खा लेना और मैं अपने लिए डिसाइड कर लूँगा। ठीक है, पहले आप लोग सेलेक्ट करोगे क्या खाना है। बेसमेंट में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे इन लोगों ने सजावट बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन किया गया है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये माँ बेटा बैठ के तब तक यहाँ पे खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। भूख तो मुझे भी काफ़ी ज़ोर से लगा हुआ है कि जल्दी से आ जाए डिनर, जल्दी से डिनर आ जाए। तो कुछ इस तरह से ये लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं और मैं इन लोगों का वीडियो बना रहा हूँ। भूख काफ़ी तेज लग गया और इतना इंतजार करने के बाद सिर्फ अभी रायता आया और ये प्याज। सो ये रिया का फाइनली वेज बिरयानी आ गया और अब मैं अभी अपना नॉन वेज बिरयानी का वेट करूंगा। मेरा देखता हूँ कब तक आता है, क्योंकि ये लोग खाएंगे तो फिर मेरे मुंह में पानी तो आएगा ही आएगा, तो फिलहाल तो मुझे वेट करना पड़ेगा। सो खाना खा लिया, मैंने मटन बिरयानी खाया और यह वेज बिरयानी, क्योंकि वो नॉन वेज नहीं खाती है। काफ़ी यम खाना था, मज़ा आ गया खाना खा के। तो अभी थोड़ा क्या अभी आइसक्रीम खाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपने जस्ट खाना खाया है। तो अभी बस थोड़ी देर के बाद आइसक्रीम खाएंगे, यानी मैं नहीं खाऊंगा, रिया खाएगी और साहित्य खाएगा। तो थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं और उसके बाद देखते हैं फिर अगला प्रोग्राम। सो गाइज, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया जाता है, तो एकदम पार्क सामने पड़ा हुआ है। चंडीगढ़ मॉल में तो पार्क की कमी है नहीं, मैं फिलहाल पार्क में लेटा हुआ हूँ, मेरी मिसेज बैठी हुई है और ये अपना मस्त खेल रहा है। कहाँ घूम रहे हो? इधर आओ, दौड़ के आओ। ये पार्क में अपना अकेले मस्ती में लगा हुआ है। पापा जी, हाँ, वीडियो बन चाहिए। बोलो क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। You put down the phone. साहित्या गाड़ी के अंदर बैठ के अपना आइसक्रीम खा रहा है और रिया को फालूदा खाने का मन है, तो ये उसका फालूदा पैक हो रहा है। तो फालूदा पैक कराएंगे, देन उसका डायरेक्ट घर पे ही चलते हैं। ये लो अपना आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं बादाम शेक। कैसा लग रहा है? टेस्ट बताओ, कैसा बनाया है?
बढ़िया। आज मैं रेस्टोरेंट से खा के आया, पेट भर के खाया और मैंगो वाला आइसक्रीम खाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। सो गाइस, हम लोग ढेर सारा मस्ती किया, खाना वगैरह खा के, डिनर वगैरह करके घर आ गए और रात के बज रहे 11, क्योंकि संडे को लेट उठे तो कोई बात नहीं, क्योंकि फैक्ट्री जाना वगैरह है नहीं, ऑफ होता है। तो अभी फिलहाल मैं इस ब्लॉग का अभी एंड करता हूँ। ब्लॉग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।